आज जो है आज का टॉपिक जो मैं 1961 का चल रहा था जो ऑनलाइन क्लास है, आज का जो ऑनलाइन क्लास है आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या क्या है देखते हैं, कितना रेगुलेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशन इन केस ऑफ सॉकेट एंटिटी, सॉकेट अगर हो जाता है तो सॉकेट को कैसे क्लियर कर देना चाहिए, उसी के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिकॉशन इन केस ऑफ सॉकेट ईटीसी और रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है। पहला जो है रेगुलेशन नंबर ये 168 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बता रहा है जो कोई माइंस में जो ड्रिलिंग किया जाता है, ड्रिलिंग के बाद चार्जिंग किया जाता है। ठीक है, कोई भी जो माइंस में ड्रिलिंग किया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, चार्जिंग किया जाता है। ठीक है, चार्जिंग के बाद क्या जाता है, ब्लास्टिंग किया जाता है। ठीक है, ब्लास्टिंग किया जाता है। ये तीनों जब कंप्लीट हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाने के बाद इंस्पेक्शन कर लेकर जाता है कौन, ब्लास्ट हो जाता है या ब्लास्टिंग फोरमैन, जो मैनेजर जो भी जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, जब जाएंगे तब तो वो देखेंगे अगर होल डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, होल अगर जैसे कि ऐसे ही है, होल डैमेज संपूर्ण तरह से नष्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉकेट कहलाएगा। ठीक है, होल का कोई भी अंश खराब नहीं हुआ है तो उस केस में उसको सॉकेट कहा जाएगा। अगर देखेंगे इसके अंदर में एक्सप्लोसिव अगर रूप है तो वो मिसफायर कहलाएगा। ठीक है, अगर खाली होल डैमेज नहीं हुआ है जैसे कि तैसे है तब उस केस में क्या हो, सकट कहलाएगा। अगर उसमें पता चल जाता है उसके अंदर में एक्सप्लोसिव है तब उस क्षेत्र में वो मिसफायर कहलाएगा। ठीक है, उसको कैसे क्लियर किया जाएगा, उसको कैसे क्लियर किया जाएगा, वो बता रहा है 167 के अनुसार उसको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, 167 क्या है, जो मिसफायर रेगुलेशन है उसको कैसे क्लियर किया जाता है, जो हम 167 में पढ़े थे। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है ये सॉकेट के ऊपर में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, रेगुलेशन 168 के ऊपर। ठीक है, आइए भी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं, ड्यूटी ऑफ ब्लास्टर एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट। जो कोई ब्लास्टर रहते हैं उनका जब शिफ्ट खत्म हो जाता है तो उनका क्या काम रहता है, उनका क्या ड्यूटी, क्या कर्तव्य रहता है। ठीक है, ये जो जो ब्लास्टर का शिफ्ट एंड हो जाता है तब उस क्षेत्र में वो रेगुलेशन नंबर कितने पे आएगा, ड्यूटी ऑफ ब्लास्टर एट द एंड ऑफ शिफ्ट और रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है, अतः 169, 169 के भीतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है जो भी ब्लास्टर, ठीक है, ब्लास्टर उनका ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है तो वो देखेंगे जो ब्लास्टिंग कर रहे थे वहां पे कुछ एक्सप्लोसिव अगर बचा हुआ है, रह गया है, तब तो उस क्षेत्र में वो क्या करेंगे, वो मैगजीन पे जाके रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये उनका काम रहेगा। ठीक है, कि जितना एक्सप्लोसिव अगर बच गया है उसको ले जाके मैगजीन पे रिटर्न करना होगा। ठीक है, मैगजीन रेगुलेशन कितने पे आता है, जो हम डिस्कस किए थे 154 के अंतर्गत में, रेगुलेशंस के अंतर्गत में आता है जो मैगजीन रूम। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये बता रहा है जो ब्लास्टर जब ड्यूटी उनका खत्म हो जाता है वो क्या करेंगे, जितना एक्सप्लोसिव रिटर्न किए हैं, जितना यूज किए हैं, जितना एक्सप्लोसिव को यूज किए हैं, ठीक है, कौन सा प्लेस में ब्लास्ट हुआ था, कौन सा माइंस में ब्लास्ट हुआ था, कितना होल को ब्लास्टिंग किए थे, वहां पे मिसफायर हुआ था क्या, ये सब का डिटेल जो है ना रजिस्टर में लिख के रखेंगे। ठीक है, उनका जो रजिस्टर रहता है
रजिस्टर में वहां पर लिख के रखेंगे और वहां पे साइन भी और दस्तखत भी साइन भी करेंगे। ठीक है, यही होता है डस्टर रजिस्ट्रेट खत्म हो जाता है उनका काम। नेक्स्ट टॉपिक जेंडर फिक्सेशन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव, जो कि बारूद के संबंध में कुछ सामान्य सतर्कता आपको अवलंबन करना चाहिए। वो रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है? रेगुलेशन नंबर 170 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, वो रेगुलेशन कितने पे आता है? 170 के अंतर्गत में वो आता है। ठीक है, पॉइंट टू। ये बोल रहा है जब एक्सप्लोसिव को यूज किया जाएगा, ठीक है, जब एक्सप्लोसिव चार्जिंग किया जाता है तो वहां पे जहां पर भी एक्सप्लोसिव रहता है वहां पे बोल रहे कोई धूम्रपान नहीं करेगा, ठीक है, कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करेगा, ना ही इलेक्ट्रिक टॉर्च का व्यवहार करेगा, ना ही ओपन लाइट को यूज करेगा। ठीक है, और आर क्या हुआ अभी, मोबाइल फोन को अलाउ नहीं करेगा, वॉकी टॉकी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरा, जहां पर मैगजीन रहता है ना, मैगजीन तो मैगजीन रूम पे भी आपको ये सब मटेरियल ये सब चीजें लेके नहीं जाना होगा, ये सब भी वहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैगजीन को छोड़ करके बाकी किसी भी हाउस में ना छुपा के भी मतलब वो एक्सक्लूसिव को नहीं रखा जाएगा। मैगजीन रूम में छोड़ के बाकी कोई भी घर में छुपा के भी एक्सक्लूसिव को नहीं रखा जाएगा, ना ही कोई व्यक्ति उसको छुपा के लेके अपना घर लेके आ जाएगा। ठीक है, अपना हाउस को लेके कोई भी व्यक्ति लेके नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन जो माइंस में या माइंस के नजदीक में या मैगजीन का घर आसपास कोई व्यक्ति अगर एक्सप्लोसिव को वो पाता है तब वो क्या करेगा, मैगजीन रूम पे वो रिटर्न करेगा, वहां पे वो जमा देगा। ठीक है, ये जो घटना है ना ये घटना को मैनेजर को बताना होगा, जो माइंस मैनेजर रहते हैं इनको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, पार्ट्स ऑफ मशीनरी। ये क्या कहता है, जो माइंस में जितने भी मशीनरी रहते हैं उनके ऊपर कुछ सावधानी सतर्कता के ऊपर ये बता रहा है। ठीक है, तो ये रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है? ये रेगुलेशन नंबर 174 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, पॉइंट टू, जितने भी मशीनरी रहता है ना, जितने माइंस में मशीनरी रहता है ये मशीनरी सबको पहले से चलने से पहले स्टार्ट होने से पहले उसको इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, उसको अच्छा से जांच करना चाहिए। ठीक है, तीसरा, जो मशीनरी चलता होगा, जो कोई मशीनरी मतलब रनिंग टाइम पे रहता है, रनिंग टाइम में रहता है उस टाइम कोई भी पर्सन वहां पे जाएगा नहीं, जैसे कि कोई मेंटेनेंस के लिए हो, कुछ मतलब डीजल फिलिंग के लिए हो, उस टाइम कोई भी टाइम पे वहाँ पर नहीं जाएगा जब तक जो मशीनरी का चलाते हैं उनको उस व्यक्ति का जब तो इंडिकेट नहीं किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वहाँ पे जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे तब जाके ये पर्सन जो है वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कोई जो माइंस में प्लांट रहता है, ठीक है, प्लांट्स में कन्वेयर बेल्ट रहता है, कन्वेयर बेल्ट को मेंटेनेंस करने के जितने व्यक्ति जाएंगे ना, इसमें बोल रहे हैं सभी पर्सन क्या करेंगे, कोई भी लूज ड्रेस नहीं पहन के जाएगा, लूज ड्रेस पहन के नहीं जाएगा ये बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, वो जो माइंस में जो मशीनरी जब चलते हैं उसका सावधानी के बारे में हम बात किए, लेकिन उसको जो
जांच किया जाता है, उनको कैसे चलाना क्या रहता है उसको ऊपर अभी बता रहा है। ठीक है, वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी का रेगुलेशन कितने पर आता है? 176 का अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये बोल रहा है जितने भी मशीनरी रहता है जो उसको इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, जो भी मशीनरी रहता है उसको इंस्पेक्शन किया जाएगा। कौन करेगा? एक कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, जितने मशीनरी स्टार्ट होने से पहले एक कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्शन करेगा। अगर इंस्पेक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे उस मशीनरी को काम पे नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे वर्किंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी को जब इंस्पेक्शन करेंगे ना, कौन करता है? कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्शन करते हैं, वहां पे देखेंगे उसका कोई भी पार्ट्स, ठीक है, कोई भी पार्ट्स लूज हो गया है, कुछ डैमेज हो गया है, कहीं पे क्रैक हो गया है, इस सब का वो देखभाल करेंगे, देखेंगे। अगर वो सब हो गया है तो उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, ये सारा का जो प्रॉब्लम हुआ है वो इन्फॉर्म करेंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे? मैनेजर को बताना होगा, और जो मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह रहते हैं उनको भी बताना होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बता रहा है, ये जो मशीनरी को चेक किया जाएगा ना, जितने भी माइंस में जो मशीनरी का इक्विपमेंट रहता है उस सबको एक कॉम्पिटेंट पर्सन 7 डेज में एक बार जाके उसको इंस्पेक्शन करेगा, इन्हें देखेगा। ठीक है, ये जब चेक किया है, जो 7 डेज में एक दिन जो चेक करेगा उसका रिपोर्ट है जो एक रजिस्टर बुक में वो लिख के रखेगा। जिस डे वो जाके चेक किया है, इंस्पेक्शन किया है, उस डेट का वो डेट लिखे और सिग्नेचर भी करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फ्रेंचेस, जो कि फेंसिंग जो हम लोग देते हैं। ठीक है, ये फेंसिस का रेगुलेशन कितने पे आता है? 177 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये बता रहा है माइंस में जहां पर कार्य होता है उस कार्य में अगर माइंस में अगर कुछ जो पानी भर जाता है, ठीक है, या नजदीक का माइंस में कुछ अगर वो पानी भरा जाता है तब उस केस में उसको फेंसिंग किया जाएगा। इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक माइंस है, ठीक है, एक नजदीक में माइंस है। ठीक है, ये माइंस क्या है? ये वर्किंग पीरियड पे है, ये नॉन वर्किंग, वहां पे काम नहीं होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, मान लीजिए बॉटम में सबसे इस एरिया में वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसका भी सबसे नीचे पॉइंट पोर्शन पे वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये जहां पर पानी भरा हुआ है इसका चारों तरफ से आपको क्या करना, वो बोल रहा है फेंस दे देना, कि फेंसिंग कर देना है, यहीं पे कोई व्यक्ति ना जा पाए। ठीक है, इस तरह से आपको फेंसिंग देने के लिए बोल रहा है। कहाँ पर देना है? जो माइंस बंद है या चल रहा है नीचे में, अगर पानी रहते है, जो कि तालाब की तरह पानी रह जाता है, तो वहां पर कोई जाके गिर ना जाए, तब उस क्षेत्र में आपको वहां पर फेंसिंग देना चाहिए। ठीक है, तीसरा बता रहा है, ये जो फेंसिंग दिया गया है ना, ये जो फेंसिंग दिया गया है, ये जो फेंसिंग दिया गया है, इसको देखभाल करने के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन जाएगा। ठीक है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन कांडर में रहेगा, वो कितने दिन में एक बार जाएगा? 7 डेज में एक बार वो जाएगा इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है, जिस दिन वो इंस्पेक्शन करेगा ना उस दिन का डेट भी वो मेंशन करेगा, उसके साथ सिग्नेचर भी वो मारेगा, और रजिस्टर में जो रजिस्टर रखा है इंस्पेक्शन का रजिस्टर जो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, मान लीजिए ये जो फेंसिंग दिया है, ठीक है, जो भी फाटक दिया हुआ है, ये किसी भी कारण से टूट जाता है या गिर जाता है, तब उस क्षेत्र में अगर जब काम चल रहा है तब ये जो काम करता है ना, काम करने के समय पे भी किसी व्यक्ति को वहां पर
एंट्री करने के लिए नहीं दिया जाएगा, प्रवेश करने के लिए किसी को वहां पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्या है, आपको सिक्योरिटी मतलब जो कि गार्ड आपको देना है जब तक तो ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और बोल रहा है ये जो हादसा हुआ है ना, ये सब का रिपोर्ट आपको किसको देना है, चीफ इंस्पेक्टर मैनेज को, आपको इंस्पेक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोटिस जो कि सूचना। सूचना क्या है, सूचना जो रेगुलेशन 178 के ऊपर आता है, ठीक है। मान लीजिए जहां पर एक प्लेस में, ठीक है, ये एक प्लेस है, ये भी एक प्लेस है, ये प्लेस में बोल रहा है कि आपको इस प्लेस में, इस प्लेस के अंदर में एक टू एम पे बोर्ड, सॉरी ये गलत है, ठीक है, ये एक प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस में बोल रहा है नो स्मोकिंग, ठीक है, नो स्मोकिंग का, मान लीजिए इस एरिया में स्मोकिंग नहीं करना, तो इस तरह का नो स्मोकिंग का बोर्ड आपको लगाना है, ठीक है। ऐसा एक और एक प्लेस है, वो एक प्लेस है जिस प्लेस में वहां पर किसी को एंट्री करना मना है, ठीक है, तो इसमें भी इस तरह का आपको नट अलाउड बोल के आपको वहां पर जो है बोर्ड इस तरह का लगाना है, सूचना दे देना है कि नोटिस दे देना है, बोर्ड वहां पर लगा देना, इस एरिया में आपको प्रवेश नहीं करना है, ये सही नहीं है, वहां पर बोर्ड लगा देना है, नोटिस लगा देना है, यही 178 बता रहा है कि आपको पहले से ही सूचना दे देना है। नेक्स्ट जनरल सेफ्टी, ठीक है, जनरल सेफ्टी क्या कह रहा है, ये रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है, 181 के अंतर्गत में आता है। इसमें एक ही पॉइंट बता रहा है, माइंस में जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, जितने भी माइंस में पर्सन वर्किंग कर रहे हैं, वो बोल रहा है कोई भी पर्सन जो है मतलब जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के कोई भी व्यक्ति पर्सन जो है ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा काम वर्किंग नहीं करेगा जिसका वजह से उसके लिए खतरा हो और बाकी लोग के लिए भी खतरा हो, जो कि जानबूझ के भी अपना जीवन के साथ वो कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा, कहाँ पर, माइंस में। ये जनरलिफिकेशन जो सामान्य सार्वजनिक सुरक्षा जो होता है, ये 181 में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के ऐसा काम नहीं करेगा जिसका जीवन के प्रति विपद हो, और ऐसे भी काम नहीं करेगा जिसने भी लोग माइंस में काम करें उनका सुरक्षा में कोई छिड़काव हो, ठीक है। नेक्स्ट यूज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवेयर्स, ठीक है, ये जो जूता का जो व्यवहार होता है, जो उसका सप्लाई किया जाता है, उसका जो रखने बिखने किया जाता है, उसके ऊपर रेगुलेशन 182 आता है, 182 उसको बताता है, ठीक है। 182 क्या बोल रहा है, प्रत्येक माइंस में, ठीक है, एवरी माइंस में किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी पर्सन को कोई भी व्यक्ति अगर जूता नहीं पहना है ना, उसको माइंस में एंट्री करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये जो ऑर्डर है, माइंस में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, जो भी कोई व्यक्ति नहीं पहनेगा तो उसको अंदर नहीं जाने, इसे कौन परमिशन दिया है, इसको परमिशन दिया है चीफ इंस्पेक्टर, परमिशन दिए हुए हैं, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक माइंस का ओनर, एजेंट और मैनेजर 6 मंथ में एक बार उनको सोच का प्रोवाइड करेंगे, प्रत्येक माइंस का ओनर, एजेंट, मैनेजर 6 मंथ में एक बार उनको जूता दिलवाएंगे या नहीं देंगे, ठीक है। ये जो ओनर, एजेंट, मैनेजर 6 मंथ जो जूता देंगे ना, वो उसका खर्चा यानी उसका कोई भी पैसा वर्कर से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जो वो मान लीजिए जो सुजो प्रोवाइड किया हो, किसी भी कारण के वजह से वो अगर टूट जाता है, यानी 3 मंथ्स के भीतर टूट जाता है, जैसे कि बारिश का सीजन में है, रेन सीजन में है, तो उस क्षेत्र में अगर टूट जाता है तो उसको फिर से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, फिर से सुज प्रोवाइड किया जाएगा, इसका भी पैसा नहीं लेगा ओनर, एजेंट, मैनेजर, ठीक है।
और ये बता रहा है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कामगार हों, काम करते हैं, जो कि शॉर्ट्स को यूज करते हैं, जूता पहनते हैं, उस जूता का जो मेंटेनेंस मेंटेनेंस होता है, जैसे कि पॉलिश होता है, उसका सोल अगर फट जाए तो उसको सिलाने का, स्टिच का काम करता है, तो उसका जो खर्चा होता है ना, वो सब का खर्चा कौन वहन करेगा? सेल्फ, यानी जो व्यक्ति पहनता है वो व्यक्ति पे करेगा, इसका खर्चा जो है ओनर, एजेंट और मैनेजर नहीं देगा, ठीक है? ये 182 में बता रहा है। उसके बाद आते हैं यूज एंड सप्लाई ऑफ हेलमेट, जो हेलमेट का यूज किया जाता है, जो सप्लाई होता है, उसी के बारे में अभी डिस्कस होगा। और रेगुलेशन कितने पे आता है? और रेगुलेशन 182A के अंतर्गत में आता है, ठीक है? पहले आपको ये जानना है हेलमेट कौन सा प्लेस में पहनना चाहिए। जैसे कि आपको माइंस में, अगर आप काम करते हैं, जैसे कि फेस में काम करते हैं, क्रोशर में काम करते हैं, प्लांट में काम करते हैं, हॉल रोड पे काम करते हैं, किसी वर्किंग प्लेस में जब काम करते हैं, वहां पर आपको हेलमेट का यूज करना है। तीसरा बोल रहे कहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, जैसे कि कैंटीन पे खाने के लिए, वहां पर पहनने का जरूरत नहीं है। रेस्ट शेल्टर में रेस्ट कर रहे हैं, वहां पे पहनने का आवश्यक नहीं है, ठीक है? क्रेच में अगर कोई है, क्रेच में पहनने का आवश्यक नहीं है, ठीक है? कोई भी ऑफिस में रहता है तो उसको हेलमेट पहनने का आवश्यक नहीं है। कोई भी फर्स्ट एड के लिए आया है, फर्स्ट एड रूम है, तो उसको हेलमेट पहनने का आवश्यक नहीं है। इस क्षेत्र में उनको हेलमेट नहीं पहनने से भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और मैं बोल रहा है, ये जो हेलमेट है ना, हेलमेट को ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, उनको 3 इयर्स में एक बार उनको हेलमेट दिया जाएगा, ठीक है? 3 वर्ष में एक बार उनको हेलमेट दिया जाएगा। इसका भी कोई भी पैसा वर्कर से नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ये जो हेलमेट्स, अगर मान लीजिए 3 इयर्स के भीतर अगर वो नष्ट हो जाता है, कुछ टूट जाता है, तो उस क्षेत्र में भी उसको फिर री इशू किया जाएगा, इसका भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ ऑटो स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है? वो तो जूता दे दिया, हेलमेट दे दिया, और बाकी सब जो इक्विपमेंट्स रहता है, प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स रहता है, वो जो उपकरण रहता है, वो रेगुलेशन और कितने पे आता है? 182B के अंतर्गत में आता है, ठीक है? इसमें बोल रहा है माइंस में जो भी कार्य होता है, उस कार्य में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर देखेंगे, जो भी माइंस में काम हो रहा है, उस काम में अगर बहुत हजार्ड्स है, ठीक है, जैसे कि हजार्ड्स है, बहुत तरह का खतरा हो, वो उसका सम्मुखीन होते हैं, तब तो उस क्षेत्र में वो लिखित देंगे, रिटिन के आकार में देंगे। किसको देंगे? ओनर, एजेंट और मैनेजर को रिटिन देंगे कि माइंस में जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन्हीं को बिना खर्च में, ठीक है, बिना पैसा में उनको क्या दिया जाएगा? जैसे कि ग्लव्स, गॉगल्स, गॉगल्स दे दिया, फ्लोरोसेंट जैकेट हो गया, ये सब जो है ना उनको फ्री में देना है, ठीक है? ये मान लीजिए ये जितने सब इक्विपमेंट्स दिए हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स तो दे दिए हैं, अगर मान के देने के बावजूद भी कोई वर्कर उसको अगर यूज नहीं कर रहा है, कोई भी उसको जब नहीं पहनता है ना, उसके लिए ओनर, एजेंट और मैनेजर उनको फाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सब सप्लाई ऑफ अदर इक्विपमेंट्स में रहता है, जो कि हेलमेट जूता तो रहता है, उसके बदले में जो कि ग्लव्स रहता है, जो कि गॉगल्स रहता है, एयर प्लग होता है, फ्लोरोसेंट जैकेट रहता है, ये सब जो भी उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है?
इसको प्रोवाइड करने के कौन बोलता है? चीफ मिनिस्टर को जनरल सूट वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सिकनेस, जो कि बीमारी का खबर, और रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है? 183 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ बीमार पड़ जाता है, ठीक है, कोई पर्सन जो है वो बीमार पड़ जाता है, तब तो उस क्षेत्र में वो क्या करेंगे? वो तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे? मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्किंग टाइम पे ही वो उसका तबीयत खराब हो जाता है, अगर बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है, तब उस क्षेत्र में क्या करेगा? जो उनका नेक्स्ट में जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा ना, उसको बोलेगा कि आप थोड़ा इन्फॉर्म कर दो मैनेजर को, ठीक है। ये इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसमें दो ही पॉइंट्स बता रहा है। नेक्स्ट, माइनिंग मेट्स एंड माइनिंग फोरमैन। आप इसको तो हम पहले से डिस्कस किए हुए हैं, जो कि माइनिंग में जिसके पास मैनेजर, फॉरमैन, मेट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, वो माइनिंग मेट का ड्यूटी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए बोल रहा है जो रेगुलेशंस बोल रहा है 37, 172, 101 और 122। उसके बाद बोल रहा है 123, 4, 135, 5। मतलब ये एक नंबर में, ये दो नंबर में, ये एक नंबर में, ये दो नंबर में, ये तीन नंबर में, ये चार नंबर मार्किंग है, ये पांच, मतलब समझिएगा पांच है, ठीक है। 136, उसके बाद 140, ठीक है। ये सब इसके अनुसार कोई भी सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं हो पाएगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं रहता है। कितना कितना रेगुलेशन? एक में 72, 101, 120, दो में आ गया 123, 135, 136, 140। ये जो है हिसाब से कोई सक्षम व्यक्ति रूप में नियुक्त नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट उनका रखना मेट का, जो ओपन कास्ट माइंस में रहता है, वो उनका रेस्ट्रिक्टेड लिखना होना चाहिए, ठीक है। फॉरमैन का भी वही सेम क्राइटेरिया है, इसमें बता रहा है रेगुलेशन 116, 117, 125, 128, 140, ठीक है। 141 के अनुसार कोई भी सक्षम व्यक्ति रूप में नियुक्त नहीं हो पाएगा जिसके पास फॉरमैन और मेजर सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट क्या बोल रहा है? रेगुलेशन नंबर 190 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। इसमें दो ही पॉइंट्स बता रहा है। मान लीजिए माइंस में काम करने का समय पे, ठीक है, माइंस में वर्किंग करने का समय में, ये माइंस में काम करने का समय में किसी व्यक्ति का, किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, यानी बेचारा दब गया है, ठीक है, कहीं पे अगर कुछ धस गया, दबा हुआ है, तो इसमें जो हम एक्ट में डिस्कस किए होते हैं, पहला पॉइंट बता रहा है कि कोई भी अगर माइंस में एक्सीडेंट, उस घटनास्थल को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसको हटाना नहीं चाहिए, जिससे कि इशारे ना दे। हाँ, हटा सकते हैं, कब हटा सकते हैं? अगर वो कुछ चीजों से दबा हुआ है, कोई मिट्टी उसके ऊपर धस गया है, वो बेचारा वहां पे फंसा हुआ है, तो उसको आप हटाने के काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ कामों में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लास्टर प्लेस है, उसी का प्लेस को ही से रहना देना है। खाली एक ही में क्या आप चेंज कर सकते हैं, जब अगर कोई व्यक्ति उसमें दबा हुआ है तब, ठीक है। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक वहां पे कोई इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करना ले, तब तक ऑफिस में कोई भी काम नहीं किया जाएगा, कोई भी वर्किंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। मान के चलिए इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर मान लीजिए 72 आवर तक भीतर
अगर वो इंस्ट्रक्शन कार्ड नहीं आते हैं तो वहाँ पे कार्य शुरू किया जा सकता है। ये 190 में पॉइंट्स बता रहा है, ठीक है। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट जहाँ पर एक्सीडेंट होता है और रेगुलेशन 190 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। कोई भी इसमें किस तरह एक्सीडेंट होता है, कोई भी मान लीजिए वहाँ पर कार्य चल रहा था, कुछ धस गया है या कोई भी व्यक्ति का कुछ इंसिडेंट हो गया है या डेथ हो गया, तब उस क्षेत्र में बोल रहा है उस प्लेस को कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। चेंजेस किस क्षेत्र में किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति जैसे कि मिट्टी इसके ऊपर दब गया है, धस गया है, जो व्यक्ति है उसके ऊपर दब गया है और बेचारा नीचे रहता है, इसको हटाने का काम करते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, बाकी में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं बोल रहा है। वहां पर कोई भी कार्य करने के लिए नहीं दिया जाएगा जब तक तो कोई इंस्पेक्टर आकर वहां पे इंस्पेक्शन करना ले। हाँ, अगर इसमें भी बोल रहा है अगर 72 आवर्स के भीतर अगर इंस्पेक्टर आपकी इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप काम को शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का जो रेगुलेशन का चैप्टर ऑनलाइन का क्लास जो था, आज रेगुलेशन को कंप्लीट हो जा रहा है। जितना आपका एग्जाम में आने वाला था जो क्वेश्चन आता था उसी को हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।